नमस्कार दोस्तों, आज के इस सफर में मैं आपको लेकर आ गया हूँ नोएडा के स्टेडियम दशहरा मेला को दिखाने के लिए। तो चलते हैं, काफी मजा आएगा। देखेंगे कौन कौन से झूले हैं, क्या टिकट प्राइस होने वाले झूलों की, साथ ही में यदि आप आना चाहते हैं यहाँ का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन क्या होने वाला है, लोकेशन क्या होने वाली है, यहाँ की टाइमिंग क्या होने वाली है, तो सभी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक ब्लॉग में। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि तुम्हारा भाई बैक टू बैक ब्लॉग ला रहा है इस बार दशहरा मेले के, जितने भी आसपास के हैं दिल्ली एनसीआर के, कमेंट बॉक्स में बताइए और कहाँ कहाँ मेला लगा हुआ तुम्हारा भाई, वहाँ पे भी आने की सोच रहे हैं। तो यहाँ की लोकेशन आपको नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 में मिलने वाली, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक के बीच में रहने वाली है। और यहाँ पे यदि आप आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 16 का होने वाला है। यदि आप आना चाहते हैं तो ब्लू लाइन से आना पड़ेगा आपको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर वाली मेट्रो से। और यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है, पार्किंग के प्राइस मात्र 30 रुपये 50 रुपये, 4 व्हीलर का 50 रुपये और 30 रुपये 2 व्हीलर का। गेट नंबर 7 पर आपको पार्किंग है। श्री सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है नोएडा में, देख सकते हैं श्री रामलीला महोत्सव 2023, यहाँ से एंट्री होने वाली है आपकी। तो चलते हैं अंदर की ओर, देख रहे हैं जाइंट व्हील, यहाँ पे 2 जाइंट व्हील लगाए गए हैं और क्रॉस भी है, काफी सारे मतलब झूले हैं। चलते हैं देखते हैं क्या टिकट प्राइस होने वाला है इन सबका। सामने की ओर देख रहे हैं यहाँ पे मतलब खाने पीने के लिए पकवान है, यहाँ पे आप क्रॉस झूला, इसकी टिकट प्राइस 100 रुपये है। यहाँ पे डेंजरस ट्रेन की भी 100 रुपये थी। यहाँ पे जितने बड़े बड़े झूले सबकी 100 रुपये टिकट प्राइस है। सामने को और देख रहे हैं जाइंट व्हील कितना बेहतरीन लग रहा है, क्या बत्ती जल रही है। कोलंबस की भी 100 रुपये है। यहाँ पर जितने भी मतलब बड़े बड़े झूले हैं सबके 100 रुपये है। ये बच्चों वाले झूले के मात्र 50 रुपये 30 रुपये। यहाँ पे ब्रेक डांस है, इसकी भी टिकट 100 रुपये की है। अभी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला, इसका व्यू देखिए, इसका अलग ही लेवल का व्यू है, A1 का व्यू है यहाँ पे, मजा आ जाएगा यहाँ पर आपको। और इसकी हाइट भी काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब कम से कम होगी 40-50 फीट हाइट होगी। पीछे कोलंबस के, और आप देख सकते हैं कितने सारे दर्शक यहाँ पर देखने के लिए आए हैं मेले को, रामलीला के राम भक्त। और रामलीला उस साइड को हो रही है, रामलीला आपको दिखाएंगे यहाँ पर। दोस्तों एक चीज़ है बस कि यहाँ पर भी कोई टिकट प्राइस है जो दिल्ली में थे, कोई डिफरेंस चेंज नहीं है, माइनर चेंज नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। मतलब भाई कहीं भी जाओ, अभी तो 100 है, आने वाले समय में हो सकता है 120-150 भी हो सकते हैं। अभी तो शुरुआत के तीसरा दिन है आज, अभी थोड़ा थोड़ा झूला चलने वाला, उसका व्यू दिखा रहे हैं आपको। सामने की ओर देख रहे हैं, ये एक क्रॉस, इसके टिकट प्राइस भी 100 रुपये है, इसमें भी आप मजे ले सकते हैं, बढ़िया है। यहाँ पे आप, यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बेहतर। बच्चों के लिए बहुत शानदार छोटे छोटे झूले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मात्र 50 रुपये में, 50 रुपये में यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय करेंगे। सामने की ओर देख रहे हैं, ये मौत का कुआ है, वहाँ पे भी जाएंगे, भी दिखाएंगे वहाँ पर जाके कि वहाँ तक बीच में खाने के लिए जगह है पूरा, यहाँ पे आप ईट भी कर सकते हैं बड़े तरीके से। वहाँ पे सारे के सारे जितने भी बड़े भाई बहन है मेरे, वहाँ पे जाके आराम से झूला झूल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं छोटा ड्रैगन चल रहा है, मात्र 60 रुपये की इसकी राइड है, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, पेरेंट्स भी साथ में इंजॉय कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन देख रहे हैं, सही है। झूले नहीं, काफ़ी सारे झूले हैं यहाँ पर और काफ़ी बड़े बड़े झूले हैं, जाइंट व्हील, कोलंबस, ब्रेक डांस, थोड़ा थोड़ा और काफ़ी सारे हैं। यदि आप आएंगे तो मज़ा आ जाएगा, मात्र 100 रुपये इसकी टिकट प्राइस है, 100 रुपये अभी शुरुआत में, लेकिन आने वाले समय में 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों के लिए भी काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन झूले हैं, और साथ में खाने पीने के लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन जगह है। यहाँ पर खाने पीने के लिए काफ़ी छोटे छोटे कैफेटेरिया बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा यदि आप यहाँ पर आएंगे तो। नोएडा सेक्टर 21 में आपको आना है, ये यहाँ की लोकेशन। और दोस्तों देख कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ से, इस साइड से जन्नत वाला व्यू, वाओ बड़ा नाइस व्यू। पूरे मेले में देख कितनी शानदार हलचल है, काफ़ी बड़े बड़े झूले हैं, छोटे से लेके बड़े झूले सब हैं यहाँ पर नोएडा में, यहाँ पर जरूर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों सामने की ओर देख रहे हैं, ये है मौत का कुआ, इसकी टिकट लेके चलेंगे अपन अंदर की ओर, दिखाएंगे मौत का कुआ आपको। और यहाँ पे देख रहे हैं कितने शानदार, यहाँ पे भी जाइंट व्हील है, कोलंबस है, साथ में यहाँ पे बीच में देख सकते हैं काफी सारे कैफेटेरिया बनाए गए, आइसक्रीम भी खा सकते हैं, पेप्सी भी ले सकते हैं, हर एक पकवान यहाँ पे। और चलिए मौत के कुएं में चलते हैं, टिकट 50 रुपये है, इसके अंदर एंटर करके आपको दिखाएंगे क्या होने वाला है। आप सामने की ओर देख रहे हैं, ये भूत बंगला, यहाँ की टिकट प्राइस 50 रुपये है, इसके अंदर जा सकते हैं आप। और ये मौत का कुआ, यहाँ पे देखिए मेन एट्रैक्शन है, इसके अंदर दिखाएंगे आपको जाके, टिकट 50 रुपये है। सामने की ओर देख रहे हैं, यहाँ पे दो जाइंट व्हील है, यहाँ पे भी जाइंट व्हील था, कोलंबस था, यहाँ पे भी जाइंट व्हील है, यहाँ पे भी कोलंबस है, दोनों का
सेम प्राइस है, बस फर्क कितना है इसमें थोड़ी, इसके अलग लाइटिंग हो रही है, उसके अलग लाइटिंग हो रही है, लेकिन ये बेहतर लग रहा है, ये कम बेहतर लग रहा है, ये है सही है। यहाँ पर आपको दिखाते ऊपर जाके, ऊपर दिखाएंगे आपको, टिकट लेते हैं यहाँ से फिर चलते ऊपर। काफी बेहतरीन मेला लगा हुआ है नोएडा में, स्टेडियम मेला 2023 का, यहाँ पर जरूर आइएगा, यहाँ पे काफी सारे लोग आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर का सबसे बेस्ट मेला होने वाला। और दोस्तों ये है मौत का कुआं, इसको देखने के लिए बनाए, यहाँ पे भी गाड़ी चलेगी तो दिखाएंगे आपको, देखिए काफी बेहतरीन है, काफी सारे दर्शक यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबको एक्साइटमेंट है कब स्टार्ट होगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कितने सारे लोग आ गए हैं देखने के लिए, अभी मैं सबसे टॉप फ्लोर पर, उसके यहाँ पे दिखाएंगे, देख सकते हैं स्टार्ट होने वाला है। और गाइस देख रहे हैं स्टार्ट हो गया है, कार से होगा खेल यहाँ पर, देख सकते हैं आप, बाइक से देखा कितना घना एक्सपीरियंस है इनको, कितने बढ़िया तरीके से इनने मतलब परफॉर्मेंस किया मौत के कुएं में। अब देखो फोर व्हीलर का सिस्टम आप यहाँ पे, वाओ, अब फोर व्हीलर का सिस्टम स्टार्ट होगा यहाँ पे, धीरे धीरे इनका भी सिस्टम स्टार्ट हो गया, वाओ बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, देखो भाई एक्सीलरेशन में पाँव है बराबर, भाई साहब पीछे गाड़ी के पीछे लगा रखी है भाई, भाई गाड़ी के पीछे लगा दी भाई साहब, बहुत शानदार फीडबैक था, 100 रुपए के बराबर मतलब ठीक था यार, देखो यार कितना घना एक्सपीरियंस इनको काम करते करते, अब भीड़ लग गई यहाँ पे, देखा बहुत शानदार था, मजा आया यहाँ पे, जरूर आइएगा, ये भी देखिएगा 50 रुपए इसकी टिकट प्राइस है, और आपको दिखाते हैं सब कुछ दिखाते हैं बड़े तरीके से, अब आपको दिखाते हैं रामलीला, फिर करते हैं एंड, फिर चलते घर की ओर, क्योंकि 8 बज गए हैं, टाइम लग जाता है जाने में, घर 1 घंटे का समय लग जाता है, चलते मिक्की माउस, इसकी टिकट प्राइस 50 रुपए, इसमें बच्चे काफी इंजॉय करेंगे। तो आप सामने की ओर देख रहे हैं, ये है रामलीला का पूरा सिटिंग एरिया यहाँ पे नोएडा के दशहरा मेले का, यहाँ आप सामने की ओर देख रहे हैं, यहाँ पे अभी 8 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होगा, फिलहाल तो 8 बजने वाले हैं, बस 5 मिनट रह रहे हैं रामलीला के लिए, श्री सनातन धर्म समिति द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है, 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी रामलीला यहाँ पे, फिलहाल तो अभी कुछ समय बाकी है, देखिए काफ़ी सारे लोग आते जा रहे हैं, जैसे जैसे समय बैठे हैं, जैसे जैसे समय होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं, सामने की ओर देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से यहाँ पे मंच तैयार किया गया है रामलीला के लिए, इसकी ऑनलाइन लाइव भी मतलब रामलीला होती है, आप देख सकते हैं चैनल पे, बहुत बढ़िया, गाइस काफी समय लगेगा अपन को घर जाते समय, तो मैं ये देख सकते हैं यहाँ पर अपन रामलीला का व्यू नहीं ले पाएंगे, लेकिन सही है, शानदार मेला लगा हुआ है यहाँ पर 2023 का, यहाँ पर जरूर रहिएगा, यहाँ की लोकेशन आपको सेक्टर 21A में मिलने वाली, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, मैंने सभी चीज़ आपको बता दी है, काफ़ी शानदार व्यू है, बड़े बड़े झूले हैं, छोटे छोटे झूले हैं, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करेंगे,
खाने पीने की हर एक सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पे जरूर यहाँ पर आया तो जरूर मौत का कुआं जरूर देखें, क्योंकि मौत के कुएं का जो व्यू था काफी बेहतरीन था। 100 रुपये 50 रुपये पूरे बराबर था, काफी मजा आया हमको यहाँ पर आके। यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।